आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं नमक पारे कैसे बनाएं और वो भी बिना नमक डाले। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप मैदे को लें और इसमें 1 चम्मच अजवाइन को लें और हथेलियों की सहायता से इसे थोड़ा रब कर दें। इसके बाद इसमें डालें। अब इसमें 1/2 कप रिफाइन ऑयल या फिर घी को डालें। इसे डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाएं। पूरी तरह से मिलाने के बाद जब ये लड्डू बनने लगे इस तरह से, तब आप समझ जाएं कि इसमें परफेक्ट मात्रा में ऑयल मिलाई गई है। अब इसी तरह से 1 कप पानी को ले और थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें डाल कर इसकी डो को तैयार करें। ध्यान रहे, नमक पारे बनाने के लिए इसके आटे को हमें पूरी और रोटी की भांति नहीं गूंदना है, बल्कि कम पानी डालकर इसकी टाइट डफ को तैयार करना है। देखिए, इस 2 कप मैदे में पानी की मात्रा 1/2 कप से भी आधा यानी 1/4 पानी में ये पूरी तरह से डफ तैयार हो गई है। अब इसके बड़े बड़े 4 से 5 गोल गोल पेड़े बना लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको धन्यवाद बोल सकूं। आइए, इस पेड़े को बनाने के बाद इसे चकला बेलन की सहायता से इसे अच्छी तरह से बेलें। मुझे रोटी नहीं बनाना है दोस्तों, इसलिए ज़रूरी नहीं कि ये गोल ही हो। देखिए, इसके चारों तरफ से थिकनेस एक समान है। अब इसे लंबे लंबे हिस्सों में काटें और काटने के बाद एक बीच से चीरा लगा दें। आप चाहें तो इसे छोटे छोटे भी काट सकते हैं, आप अपने इच्छा के अनुसार जैसा चाहें वैसा करें। इसे बेलते समय किसी तरह की कोई आटे का इस्तेमाल ना करें। इसमें ऑलरेडी ऑयल दिया हुआ है, इसलिए ये आपके चकले में भी नहीं चिपकेंगे। इस तरह से इसे पारे का शेप देने के बाद अब ऑयल को गर्म करें और गर्मा गर्म ऑयल में इसे फ्राई करें। गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखें और इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए, तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद ये हल्का गोल्डन ब्राउन के कलर में आ गया है और देखने में भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है। आइए, इसे हम प्लेट में निकालते हैं। इस तरह से देखिए, हमारे नमक पारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसमें आप चाहें तो ऊपर से नमक का छिड़काव कर सकते हैं, वरना बिना नमक डाले हुए ये अजवाइन वाले नमक पारे यूं ही खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप इस रेसिपी को अपने घरों में एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं।